अरे वो देखो, हमारे पैसे देता नहीं और यहाँ मजे से झूला झूल रहा है। चलो सब पकड़ के सबक सिखाते हैं, चलो मारो उसे, मारो। वो तू वो देखो, सब अपना उधार मांगने आ गए, जल्दी से कुछ करो। मैं क्या करूँ, खाली पेट, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, अब तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, पड़ वाले इस मन में पागा नहीं जाता यार। अरे कमर टूट गई, लेकिन स्केटिंग में मजा आ गया। अब जल्दी से मेरे उधार के पैसे दे दो, वरना तुम्हारी कमर तोड़ दूंगा। वो तू जल्दी कुछ करो, खाली पेट, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू जल्दी से आइडिया लगाओ। आइडिया, तुम लोगों को बर्फ पे इस तरह स्किड होते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा था। सोचो, इस गार्डन को अगर आइस पार्क बना दे तो पूरा फुरफुरी नगर यहाँ आके स्केटिंग स्कीइंग करेगा। फिर हम टिकट लगा के लाखों कमाएंगे और सबका उधार भी चुकता कर देंगे। पूरी बाबा, लेकिन इसे आइस पार्क बनाएंगे कैसे? ओ कसम मेरे मरीजों की, मैं किस दिन काम आऊंगा यार। ये देखो मेरे रॉकेट्स, जिस जगह से ये रॉकेट्स चलेंगे सिर्फ उस जगह पर बर्फ ही बर्फ गिरेगी और फिर ये स्नो पार्क बन जाएगा। जाओ। लेकिन बड़े भैया, इतने सारे रॉकेट क्यों लाए हो? अगर एक रॉकेट नहीं चलेगा तो दूसरा ट्राई करेंगे यार। मैं रॉकेट चलाऊंगा। मेरे प्रा, और ये क्या कर दिया? ओए भागो! पूरी बाबा! पापा! मम्मी! ओए मेरा पीछा छोड़, मैंने ही तुझे बनाया है, तेरा जन्मदाता हूँ मैं। ये लोग हमें उल्लू बना रहे थे, मारो! मोटू पतलू बाहर आओ, मोटू पतलू बाहर आओ। लगता है सुबह सुबह वो हमें मारने आए हैं, जल्दी से छुप जाओ। बाहर आओ, देखो तो बाहर क्या है। नहीं नहीं, बाहर हमारी पिटाई की तैयारी है, हम नहीं आएंगे। ओए मोटू मेरे बड़े भरा, देख तो पूरा पुरपुरी नगर कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे रॉकेट का कमाल है भाई। पुरपुरी नगर कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि स्विट्जरलैंड आ गए हैं। मोटू पतलू जिंदाबाद, मोटू पतलू जिंदाबाद। मोटू, तुम्हारी वजह से आज हम वो मजा ले रहा है जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। वो तो ठीक है, लेकिन अब हम टिकट कहाँ लगाएंगे, हमारा उधार कैसे चुकता होगा? मोटू, तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो।
इस सर्दी को मुझसे कोई दूर भगाओ, जल्दी से गर्म गर्म चाय पिलाओ। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है। कविता को छोड़ो, चाय पिलाओ। ये तो जम गई, एकदम गर्म गर्म चाय दो। मिर्ची ने याद दिलाई नानी, जल्दी से दो पानी। वाह बॉस वाह, क्या कविता। कविता को छोड़ो, पानी दो। ये भी जम गया, मिर्ची है कि छोड़ती नहीं। पानी दो। ये भी जम गया। बस बर्फ को चाट लो, ठीक हो जाएगा। बस एक मिनट, हम अभी आपको खींचते हैं। बस आपकी जुबान तो आपसे ज्यादा लंबी है। पतलू रुको रुको, जल्दी से नीचे छुको छुको। हाँ हाँ क्यों नहीं। क्या कर दिया फुरपुरी नगर का, पीने को पानी तक नहीं है, सब कुछ जम गया है। अब जिंदा कैसे रहेंगे, ठंड पड़ती जा रही है। नंबर वन सुना नहीं, दोनों ठंड से जम गए। सॉरी, गलती से मार दिया। देखो चाय वाले भैया, मोटू पतलू ने ये क्या कर डाला, इनकी वजह से सब जम रहे हैं। मारो इन्हें। हाँ, मारो। मोटू पतलू, मेरे घर में सब लोग जम गए, ये सब तुम्हारी। मोटू पतलू को मारो। मारो। मोटू जल्दी कुछ करो, वरना ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। पढ़ानी होगी। मारो। बचाओ। ओ तुम मुझे छोड़ दो। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, सारी दुश्मनी भूल के दोस्ती का हाथ बढ़ा ले। कविता छोड़ो, अपनी जगह जाओ। अभी तेरी वजह से हम इस मुसीबत में फंस गए, ना तू हमें गुस्सा दिलाता, ना हम इस तरह उड़ रहे होते। तीन बार क्यों चिल्ला रहा है। तीन बार लोगों ने मुझे मार के उड़ाया, डर के मारे चिल्ला ही नहीं पाया, इसलिए एक बार में चिल्ला रहा हूँ। बचाओ जब तक भागते रहोगे तब तक जमोगे नहीं, बदन गर्म रहेगा, इसलिए भागते रहो। भागो। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, तू
में मौरत मौत की कसम। आज तक तुम्हारे कहने से कोई रुका भी है? बेकार में चिल्लाते रहते हो। स्टॉप स्टॉप। मेरे यार, मेरे दोस्त, तुम चिंता मत करो, इस रॉकेट को चला देंगे तो बर्फ पिघल जाएगी यार। लाओ, मैं चलाऊंगा, मैंने ही बर्फ जमाई है और मैं ही पिघलाऊंगा। जल्दी जल्दी होगा, फिर से सब रॉकेट चल गए। अब गर्मी इतनी बढ़ेगी कि हम सब पिघल जाएंगे यार। मोटू की वजह से ये सब हुआ है। मारो, मारो!